फ्रेंड्स, मेरे रिटर्न स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट कोड के बारे में, जो कि क्या होता है और इससे क्या क्या होता है, इसकी ज़रूरत यूट्यूबर क्रिएटर को क्यों पड़ती है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्विफ्ट कोड एक ऐसा कोड है जो मनी करेंसी यानी पैसे को कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर आप बाहर से अदर कंट्री से पैसा बुलवाते हैं बैंक अकाउंट में, तो उसको स्विफ्ट कोड के बिना वो नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत लगेगी। स्विफ्ट कोड मतलब मनी करेंसी को कन्वर्ट करने का ही काम करता है। जैसे अमेरिका के पैसे जिन्हें हम डॉलर कहते हैं, उसे अगर इंडियन रुपए में कन्वर्ट करना है तो आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ेगी। ये हर एक बैंक में उपलब्ध होता है। आपको कुछ नहीं करना होता, बैंक में जाकर आपको संपर्क करना होता है, वहाँ से आपको स्विफ्ट कोड दिया जाता है, या तो फिर आप ऑनलाइन भी स्विफ्ट कोड निकाल सकते हैं। गूगल पर लिखकर बैंक का स्विफ्ट कोड गूगल पर आसानी से मिल जाता है। किसी बैंक का नाम ले प्लस ब्रांच और एरिया पिन कोड, इसके द्वारा बैंक का स्विफ्ट कोड निकल जाता है। स्विफ्ट कोड मतलब आपको, जैसे कि मैं बता दूँ, अगर आप जैसे यूट्यूब मनी भेजता है तो US डॉलर में मनी भेजता है, जैसे कि 21 तारीख को वहाँ से सेंड कर दी जाती है, जो कि 5 दिन लगता है उसको इंडियन रुपये में कन्वर्ट होने में। बैंक की प्रोसेस रहती है अलग अलग आगे, और उसका हमारा चार्ज भी कटता है मनी करेंसी यानी उसको कन्वर्ट करने के लिए। हम लगभग 26 तारीख को हमारा पेमेंट आता है हमारे खाते में, और कुछ पेमेंट काट लिया जाता है, जिससे मतलब जो कन्वर्टिंग का चार्ज रहता है वो हमारा काट लिया जाता है, और US डॉलर को इंडियन रुपये में कन्वर्ट कर दिया जाता है। साथ ही साथ हमारे खाते में जब वो ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ परसेंट काट लिया जाता है, जो कि कन्वर्टिंग चार्ज रहता है US डॉलर को इंडियन रुपये में कन्वर्ट करने के लिए। स्विफ्ट कोड के जरिए ही ये सब काम होता है और हर बैंक में ये उपलब्ध होता है। मैंने अभी बताया कि आप गूगल पे भी इसे ढूंढ सकते हैं, आसानी से मिल जाता है। बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, किस एरिया, मतलब अपना पूरा एड्रेस डालिए उस बैंक के संबंधित में। अगर आप मतलब किसी गाँव में रहते हैं तो आपके आसपास जो भी सबसे बड़ी सिटी है उस बैंक का स्विफ्ट कोड आपके लिए काम कर जाएगा। अगर आप जिले के अंतर्गत नहीं आ रहे, किसी तहसील में भी रह रहे, तो अपने ज़िले में जो बैंक है उस बैंक का स्विफ्ट कोड आप डालिए, आसानी से आपकी मतलब मनी है जो यूट्यूब क्रिएटर हैं उनकी मनी आसानी से आएगी अपने खाते में, और सभी लोगों के लिए आसानी से काम करेगा। यूट्यूब क्रिएटर अक्सर क्या होते हैं, स्विफ्ट कोड के बारे में सुनते ही घबरा जाते हैं कि क्या है और कैसे काम करता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ऐसा कोड है जो सिर्फ US मनी को इंडियन रुपए में कन्वर्ट करता है, बाकी कुछ काम नहीं है इसका। जो कि हमारी YouTube से पेमेंट आती है उस पेमेंट को इंडियन रुपए में कन्वर्ट करता है और हमारे खाते तक पहुंचाने में मदद करता है। जैसे हमने भी, हमारे ज़िले में स्विफ्ट कोड उपलब्ध नहीं था तो हमने इंदौर की बैंक से लिया है, वहाँ का स्विफ्ट कोड हमारा डला हुआ है, इंदौर बैंक से हमें मिला है स्विफ्ट कोड, जो कि हमारे खाते में पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए हमारी हेल्प करता है। स्विफ्ट कोड होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका पेमेंट जो आता है वो कन्वर्ट होना भी ज़रूरी, नहीं तो आपके खाते में कैसे आएगा। तो ध्यान रखिए, आप इसे ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं या तो आप बैंक में जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपको तुरंत कोड देंगे, या तो आप ऑनलाइन निकाल ही सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्विफ्ट कोड के बारे में और कुछ भी पूछना था कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।